मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने बताया था इसके अंदर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इससे पहले हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, और क्रॉप मैनेजमेंट क्या है। अब हमने देखी क्लास के अंदर क्रॉप मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर जो है कुछ बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कुछ स्टेप्स हैं, उसको अपने को समझना है इसके अंदर, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए देखिए इन सारे स्टेप्स को अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपका जो है प्रोडक्शन बेस्ट होगा। तो पहला इसके अंदर आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मीनिंग ये होता है आपको सॉइल को जो है ना वो प्रिपेयर करना होता है। तो इस सॉइल का प्रिपरेशन करने के लिए अपने को जो है अलग अलग मैथड यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बिफोर द सोइंग सीड, यानी बीज को बोने से पहले आपको सोइंग का प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं इसके अंदर टर्निंग ऑफ और लूजनिंग ऑफ सॉइल, दो चीजें होती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में या तो अपन क्या करते हैं टर्निंग यानी सॉइल को टर्न करते हैं, या फिर इसके अंदर लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को टर्न करते हैं या लूज करते हैं। अब सॉइल को टर्न करना या लूज करने के लिए अपन या तो ब्लॉकिंग करते हैं या टीलिंग करते हैं, या तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर ब्लॉकिंग या तो प्लॉगिंग या फिर अपन इसके अंदर यूज करते हैं टीलिंग, ठीक है। तो प्लॉगिंग या टीलिंग के द्वारा जो है अपन जो है सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये चीज है कि अपन सॉइल को जो है ना सोइंग ऑफ सीड के लिए रेडी करना है, ठीक है ना। तो बिफोर सोइंग सीड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर सॉइल, सॉइल प्रिपरेशन इज डन बाय द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। तो इसमें मेनली जो है अपन सॉइल को टर्न करते हैं या लूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लॉगिंग और टीलिंग का यूज करते हैं। इसमें प्लॉगिंग, अब देखिए प्लॉगिंग करने से क्या होता है सॉइल के अंदर क्या हेल्प मिलती है इसके अंदर, तो देखिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। पहला, इट हेल्प इन द लूजनिंग द सॉइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। अब प्लॉगिंग करते हैं या लूज करते हैं सॉइल को जो है, इससे क्या होता है इसके अंदर सॉइल लूज होती तो वो इजिली जो है वाटर को होल्ड करके रख सकती है, ज्यादा से ज्यादा एयर को होल्ड करके रखेगी। दूसरा, द लूज सॉइल ऑल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म। लूज अगर सॉइल होगी तो उससे अर्थवर्म की प्रॉपर ग्रोथ होती है ना, क्योंकि एयर वगैरह रहेगा उसके अंदर, मॉइस्चर रहेगा तो, एंड माइक्रोब्स और माइक्रोब्स का भी ग्रोथ होता है, विच मेक्स द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर बैक्टीरिया वायरस या फिर अर्थवर्म वगैरह रहे तो ये न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएंगे सॉइल के अंदर, ठीक है। इट ऑल्सो इजी टू मिक्स द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर इन द लूज सॉइल। तो अगर लूज सॉइल रहेगी तो उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर को भी मिक्स करना जो है ईजी हो जाएगा इसके अंदर। द एरिएट तो प्लांट की जो रूट है वो इजिली उनको एयर अवेलेबल होगी, उसका ब्रीदिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इट हेल्प इन द इजिली पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स ऑफ सीडलिंग। अगर लूज सॉइल होगी तो छोटे जो प्लांटलेट्स होंगे उनकी रूट्स इजिली पेनिट्रेट कर जाएगी अंदर सॉइल के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल इज द ब्रॉट अप from the lower level of the soil, so the plant can use this nutrient. Nutrient rich soil जो होती है जमीन के अंदर के नीचे की जो soil जिसमें nutrient ज़्यादा है, bacteria वगैरह जो nutrients बनाए हैं उसको अगर soil का डाउन नहीं करते तो वो ऊपर आ जाता है, तो उससे plant easily use कर सकते हैं। It helps in the removing the weeds by uprooting them. अभी ये जो है प्लांट की जो soil के अंदर जो weeds होती है उनकी, तो उससे भी उसको भी अपन remove कर सकते हैं ऐसे plogging करने से, ठीक है। अब ये प्लॉगिंग और टीलिंग करने के लिए अपन या तो यूज करते हैं प्लॉग, क्या यूज करते हैं, या फिर जो है हो या कल्टीवेटर यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहले के टाइम में जो है ये एनिमल्स का यूज किए करके करते थे, और आजकल जो है ट्रैक्टर का यूज करके होता है, ठीक है। तो जो कल्टीवेटर होता है उसका यूज करके अपन जो है इसका सॉइल का लूजनिंग और टर्निंग करते हैं इसके अंदर। और उसके बाद लेवलिंग करने के लिए जो है या तो वुडन का लेवलर होता है इसके अंदर, जिससे सॉइल को वापस लेवल किया जाता है, ठीक है। तो मैनली इसके अंदर फर्स्ट स्टेप इसके अंदर आ गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर आप क्या करते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। और इससे क्या बेनिफिट है वो अपने यहाँ पे समझाया, और इसके लिए प्लॉगिंग और टीलिंग का यूज करते हैं। तो प्लॉगिंग के लिए प्लॉग या फिर जो है कल्टीवेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट दूसरा स्टेप आएगा इसके अंदर आपका सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सोइंग ऑफ सीड्स के अंदर क्या होता है,
अपना जो सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, फील्ड को रेडी कर दिया, ठीक। अब जो स्मूथ सॉइल है उसमें आप इजीली सो गुड क्वालिटी के आपको सीड्स जो है उसके अंदर आपको डालना है इसके अंदर। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड इन द सॉइल, यानी पुटिंग द सीड इन द सॉइल, सॉइल के अंदर सीड को पुट करना आपको डालना रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुड क्वालिटी ऑफ सीड जो है वो सिलेक्ट करना है और उसको फिर जो है वो यूज करना है। तो गुड क्वालिटी का सीड सिलेक्ट करने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, या हेल्दी सीड यूज करना है अपने को, ताकि अपने को ज्यादा से ज्यादा वो जर्मिनेट कर सके इजिली और ज्यादा प्रोडक्शन अपने को मिले। दैट मींस द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट्स, ठीक है। तो हेल्दी प्लांट से आपको जो है अच्छे सीड मिल सकते हैं इसके अंदर, और उसका प्रॉपर स्टोर किया हुआ सीड होना चाहिए। तो देखिएगा इसके अंदर आपको जो सोइंग और सीड से पहले क्या ध्यान रखना है, हेल्दी सीड सेलेक्ट करना है और गुड क्वालिटी होनी चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली एंड कर लो डंपनेस दैट मे इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अगर सीड के अंदर नमी रही तो वो जो है वो फंगस की ग्रोथ को बढ़ाता है। नॉट मिक्स द सीड ऑफ द वीड्स, और इसके अलावा जो है ना सीड के साथ में कोई वीड होती है, घास होते हैं, उसके कोई बीज मिक्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, और उनके अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। स्टोर इन स्टोर स्ट्रॉन्ग बैग, और जो सीड है जो अपने यूज करने वो प्रॉपर स्टोरेज किए होने चाहिए स्ट्रॉन्ग बैग के अंदर, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, और वो किसी भी इंसेक्ट्स और पेस्ट से फ्री होना चाहिए, ठीक है, ताकि अपन मैक्सिमम को जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट कंटेमिनेट विद द वेस्ट या रोटिंग मटेरियल फूड मटेरियल, उसके साथ में कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे सड़का हुआ फूड मटेरियल है या एक्सट्रा ऑफ एनिमल है, ठीक है। तो उसको अपन सेलेक्ट करने के लिए अपन अलग तरीके यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर सोइंग का मतलब ये होता है कि द स्प्रेडिंग ऑफ सीड या द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोइंग। सोइंग का मतलब क्या, सीड को स्प्रेड करना, फैलाना, लेकिन टू जर्मिनेट उगाने के लिए इसको अपन बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। अब देखिए सोइंग ऑफ सीड जो है फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कैप्ट इन माइंड, सीड को जो है बोलते टाइम क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी होगी। पहला, प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड मस्ट बी सीड के बीच में स्पेसिंग होना जरूरी है, क्योंकि अगर क्राउडेड होगा तो एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए बीच में कॉम्पिटिशन होगा, तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी इस तरह, ठीक है। दूसरा, द सीड मस्ट बी सोन इन द प्रॉपर रोज, प्रॉपर रोज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि उनको इजीली जो है आप वाटरिंग कर सकते हैं इसके अंदर, या ट्रांसप्लांटिंग दैम, उनको ट्रांसप्लांट नहीं करना तो ईजी होता, जैसे कॉटन है, कॉटन और मेज सोयाबीन ये सब, इनको जो है प्रॉपर रोज के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट, द सीड मस्ट बी सोन एट द रीजनेबल डेप्थ अंडर द सॉइल, रीजनेबल डेप्थ यानी ज्यादा गहराई में भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दे इजीली गेट एयर एंड वाटर एट सूटेबल टेम्परेचर टू जर्मिनेट, अगर ज्यादा डीप में डाल दिया तो वो सफोकेट हो जाएंगे, है ना, विदाउट एयर, और या फिर ज्यादा ऊपर डाल दिया तो बर्ड्स वगैरह उसको खा देंगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर आपको। तो सोइंग ऑफ सीड के अंदर आपने सेकेंड स्टेप हो गया इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट, सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन, यानी प्रॉपर सीजन के हिसाब से ही अपने को सीड को जो है वो बोना है इसके अंदर, और सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट इट हैज द एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ, और सॉइल भी प्रॉपर उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह होना चाहिए इसके अंदर जब आप सीड को सोइंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक वर्ड आता है ब्रॉडकास्टिंग, क्या आता है ब्रॉडकास्टिंग, अगर देखिए अपन सीड का जैसे ऐसे बाई हैंड जो है स्प्रेडिंग करते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो कुछ क्रॉप्स के जो है ना सीड को हम क्या करते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं, द सीड्स ऑफ प्लांट जैसे क्रॉप वीट और राइस ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड व्हेन द सीड आर स्कैटर्ड रैंडमली, यानी वो क्या करता है रैंडमली ऐसे फेंक देते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ऑन द सॉइल, इसी मेथड को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्या बोलते हैं। या फिर देखिएगा सॉइल ऑफ सीड के लिए यूज होता है सीड ड्रिल, क्या यूज करते हैं सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल होती है एक फनल होती है इसके साथ में जो है वो पाइप्स लगी होती है इसके अंदर, एक फनल के साथ में जो है वो पाइप्स होती है बहुत सारी, ठीक है, इन पाइप्स के थ्रू जो है ये सॉइल के अंदर जो है इनको पहुंचाया जाता है इसके अंदर, तो वो सीड ड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक सीड ड्रिल का यूज करके भी जो है हम सोइंग ऑफ सीड कर सकते हैं। तो सिंपल सीड ड्रिल हैज अ लॉन्ग पाइप विद अ फनल, एक लंबी पाइप होती है इसके साथ में फनल होती है इसके अंदर एट द टॉप, और इसके नीचे जो है पाइप्स है वो ब्लॉक जो होते हैं उसके साथ में अटैच होते हैं, ये तो इस तरह से सीड का सोइंग होता है। अब देखिए तीसरा जो स्टेप आता है इसके अंदर आपका सोइंग ऑफ सीड के बाद में अगला स्टेप होता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर,
एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो सुनो स्टूडेंट्स, सीड्स लगाने के बाद में आपको या तो फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा या मैन्योर का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो है सीड के सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने के लिए या न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए अपन इसको डालते हैं। क्रॉप प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। यानी क्रॉप प्लांट को अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं? सॉइल से मिलता है। द कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सक्सेसिव रेंडर ऑफ द सॉइल डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट। ठीक है, अगर हम क्रॉप कंटिन्यू ग्रो करते हैं क्रॉप को फील्ड के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? फर्टिलाइजर या मैन्योर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो या फिर आप न्यूट्रिएंट्स को पूरा वापस रीच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनकल्टिवेटेड रखना पड़ेगा फील्ड को, लेकिन इससे हमें इकोनॉमिकल लॉस होता है इसके। ठीक है, या फिर हम क्रॉप रोटेशन का यूज करके भी जो है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ये चीज है। तो इससे फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करने से जो है क्या होगा? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है ना, क्रॉप जो है उसका यील्ड इंप्रूव होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो है ना, द सब्सटेंस विच आर एडिंग टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो सब्सटेंस मैन्योर और फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, वही मैन्योर और फर्टिलाइजर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और ये जो फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करने की प्रोसेस इसी को अपन बोलते हैं मैन्योरिंग। ठीक है, तो पहले लोग जो है वो एनिमल और प्लांट का वेस्ट यूज करते थे। ठीक है, प्लांट को ग्रो करने के, और आजकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगते हैं। तो मैन्योर जो है, मैन्योर के भी तीन टाइप्स है, मैन्योर के भी तीन टाइप्स है इसके अंदर। तो उसके अंदर एक होता है इसके अंदर आपका फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है, तो फार्म यार्ड यानी जैसे ये कैटल डंग है, यूरिन है, रिमेंट्स और स्ट्रो है, फार्म यार्ड वेस्ट जो फार्म खेती का वेस्ट होता है उससे अपन बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये और दूसरा इसके अंदर कंपोस्टिंग है ना, तो ये जो है डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट को सड़ा के अपन बनाते हैं। और एक ग्रीन मैन्योर होता है, ग्रीन मैन्योर के अंदर अपन क्या करते हैं कि ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको अपन ग्रो करवा के जो है उसको डायरेक्ट जो है ब्लॉक करके सॉइल के अंदर ही उसको दबा देते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के अंदर हेल्प करते हैं, तो वो भी जो है एक कंपोस्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर स्टूडेंट आपको इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज समझाता है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए मैन्योर जो होते हैं आर ऑब्टेंड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल एंड प्लांट वेस्ट, है ना, प्लांट और या फिर जो जानवरों का वेस्ट होता है उससे बनते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ठीक है, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, मैन्योर को आप खेत में भी बना सकते हैं, जबकि फर्टिलाइजर जो है वो सिंथेसाइज इन द फैक्ट्रीज बाय यूजिंग केमिकल। मैन्योर जो है इम्प्रूव क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि जो है फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट है, इट रिस्टोर द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर जो है वाटर रिस्टोर करने की एबिलिटी को करते हैं, जबकि ये वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट स्लोली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, मैन्योर जो है धीरे एब्जॉर्ब होते हैं जबकि ये फर्टिलाइजर फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट इट इज बल्क, मैन्योर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर क्या होते हैं कम क्वांटिटी के अंदर भी इसको जरूरत होती है, तो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैन्योर को आप हाउस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, प्लांट को सॉरी फर्टिलाइजर को कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, नेक्स्ट इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, इट इज फाउंड स्लोली, मैन्योर को बनाने में काफी टाइम लगता है, स्लोली प्रोसेस होती है, जबकि ये फर्टिलाइजर इजीली बना लिया जाता है। मैन्योर को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है, फर्टिलाइजर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जरूरत होती है। मैन्योर इज नॉट वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो मैन्योर के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते और फर्टिलाइजर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए कुछ फर्टिलाइजर्स एनपीके है, सुपर फॉस्फेट है ना, तो ये जो है कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं ये, लेकिन ये फर्टिलाइजर जो है इसके कुछ हैजार्डस इफेक्ट भी है। ये जो है क्रॉप यूनिट तो बढ़ाते ही है ना, जैसे वीट है, मेज और राइस की, बट जो कंटिन्यूस यूज करोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जबकि मैन्योर जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे इम्प्रूव टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं,
सॉइल भर के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं मेन्योर, और सॉइल को जो पोरस और पोरस बनाते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एरेशन, तो एरेशन बढ़ेगा तो सॉइल के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उनका नंबर बढ़ेगा, तो उससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ेगा। एक अपन न्यूट्रिशन को रिप्लेस करने के लिए क्रॉप का रोटेशन भी करते हैं, तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि अपन अगर अलग अलग तरह का क्रॉप्स को अगर अपन एक ही फील्ड में लगाएंगे तो उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स का कमी नहीं होगा, ठीक है, इसको क्रॉप रोटेशन बोलेंगे इसके अंदर। और एक लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ लेग्यूम प्लांट्स के अंदर जैसे पल्सेस वगैरह होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर जो है वो बैक्टीरिया रहते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट नाइट्राइट्स के अंदर। तो ये जो प्लांट्स की रूट के साथ में बना रूट नोड्यूल्स होती है उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया या ब्लूप्रिन एल्गी वगैरह होते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं और प्लांट को जो है वो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं वो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने देखिए बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर तीन स्टेप्स समझे, इसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग ऑफ सीड और एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। बाकी स्टेप हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बताएंगे, इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स को वापस आप ढंग से एक बार रीड करिएगा बुक से, ठीक है, और उसको लर्न करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।